Why power sharing is desirable? हाँ जी बच्चे, इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको पूरा डिटेल में किया था, और इसके दो मेन जो हैं, ठीक है, रीजन हमने बताए कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. वन इज प्रूडेंशियल एंड सेकेंड जो है दैट इज मॉरल. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब मैंने करवाया था तो मैंने इसको डिटेल में इसलिए करवाया था क्योंकि वो आपको इसकी स्टेटमेंट नोट करनी है. लेकिन अब आप ये पढ़ोगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पहले तो डिजायरेबल का मतलब क्यों होनी चाहिए. किसी भी कंट्री में पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए फर्स्ट रीजन क्या है, प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल वर्ड जो है वो प्रूडेंस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, गेन और लॉस. जिस कंट्री में पावर शेयरिंग ज्यादा होगी वहां पे गेन जो है वो ज्यादा होगा. जिस कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं होती, जैसे हिटलर के टाइम पीरियड में नहीं थी, तो वहां पे लॉस ज्यादा होगा. किसका? लोगों का. ठीक है, तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए. फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन. इसका रीजन क्या है कि गेन शुड बी मोर. जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतनी ही जो है कंट्री में लोग जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, और गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो. ठीक है, प्रूडेंशियल. अब प्रूडेंशियल जो वर्ड है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन जो है वो नोट करो. स्टेटमेंट बेस्ड प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? सपोज अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस, स्टेटमेंट दी होगी और नीचे होंगे फोर वर्ड्स. नंबर वन प्रूडेंशियल, नंबर टू मॉरल, नंबर थ्री ऑटोक्रेटिक एंड नंबर फोर मोनार्की. तो राइट आंसर क्या है? प्रूडेंशियल. ऐसे आपने रिकॉग्नाइज करनी. डेफिनेशन को रीड करो उसका. वन डेफिनेशन जो है बेस्ड, सपोज आपको स्टेटमेंट दी गई है डैश, डैश इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन. सपोज प्रूडेंस वर्ड नहीं लिखा होता, सपोज ऐसे लिखा होता डैश इज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस. तो अब आपको गेन्स एंड लॉस, मतलब प्रूडेंस का मतलब होता है गेन्स एंड लॉस, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से कौन सा वर्ड एक्यूरेट है. तो यू विल टेक ऑन प्रूडेंशियल. रीजन क्या है कि जिस कंट्री में पावर शेयरिंग ज्यादा होगी वहां पे प्रॉफिट गेन ज्यादा होगा, लोग सेटिस्फाइड होंगे. जहां पे लोग सेटिस्फाइड होंगे वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट होने के चांस ज्यादा होते. ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड है मॉरल रीजन. मॉरल रीजन, मॉरल जो वर्ड है, मॉरेलिटी. जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतनी ही कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी विल बी सेटिस्फाइड. कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की कंडीशन ही क्या है, किसको इंपॉर्टेंस देना? डेमो, डेमो का मतलब पीपल. और पीपल को इंपॉर्टेंस तभी दी जाएगी जब उनको पावर में शेयरिंग मिलेगी. शेयरिंग का मतलब होता है जब उनको लेजिस्लेशन में, सपोज हमारी कंट्री में लोकसभा है, राज्यसभा है, और हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है. हमारी कंट्री में तो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा है. पंच हैं, सरपंच हैं, डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर है, मेयर है, कितनी सारी पावर शेयरिंग है. लेकिन जर्मनी में सिर्फ एक पर्सन था. कौन था? हिटलर. हिटलर का कहा गया हर वर्ड लॉ था. ठीक है, तो वहां पे पावर शेयरिंग नहीं थी. तो पावर शेयरिंग नहीं थी इट मीन्स वो डेमोक्रेसी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती थी उनकी गवर्नमेंट. लेकिन हमारी कंट्री में इसका मॉरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए. जिस कंट्री में पावर शेयरिंग होगी वहां पे डेमोक्रेसी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी. अब ये कैसे आ सकता है, इसकी स्टेटमेंट नोट करो. डैश डैश रीजन सेटिस्फाई, डैश रीजन सेटिस्फाइड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी या कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी. विच रीजन? प्रूडेंशियल, मॉरल, कोई भी आ सकता है, ऑटोक्रेटिक और नन. ऑटोमेटिक आप देख लो कि हाँ दो रीजन आपने किए हैं, उनमें से प्रूडेंशियल तो आ नहीं सकता, तो कौन सा आएगा? मॉरल. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट. अब इसके अलावा पावर शेयरिंग और क्यों जरूरी होती है, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए करवाया था कि कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है. तो जस्ट मैं वैसे आपको करवा रही हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कोई भी अगर इसका आता है तो. ठीक है, नंबर थ्री, पावर शेयरिंग जिस कंट्री में क्यों होनी चाहिए,
सो दैट वीकर सेक्शन शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस. थर्ड, वीकर सेक्शन में कौन आता है? विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज. विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, तीनों को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए पावर शेयरिंग. कैसे? बच्चों के लिए क्या है, जैसे हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंस क्या दी गई है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा, तो उनको इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि कंट्री में एजुकेशन का लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन. विमेन की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन फॉर इमोरल पर्पस, इसको क्या किया गया है? इलीगल, ताकि गर्ल्स और जो वुमेन हैं उनकी फ्रीडम जो है उसको मेंटेन किया जाए. थर्ड इज ओल्ड एज. हमारी कंट्री में ओल्ड एज जो है वो पेंशन दी गई है, ताकि जो लोग हैं ओल्ड एज पीपल जो हैं उनको पेंशन प्रॉपर दी जाए, ताकि उनकी जो भी लाइफ की सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है. थर्ड इज पावर शेयरिंग इज मस्ट. जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना वीकर सेक्शन के बारे में ज्यादा सोचा जाएगा. हिटलर के टाइम में क्या वीकर सेक्शन को कोई इंपॉर्टेंस दी गई थी? नो, देवर जस्ट डिपोर्टेड, एग्जाइल, डिटेन्ड इन द चैम्बर्स. और जो भी माइनॉरिटीज है, जो भी उनकी कंट्री में 52 कम्युनिटीज थी, आपको पता होगा कि उनके साथ क्या किया गया, स्टेप्स टू डेथ वर्थ. जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना ही वीकर सेक्शन को इंपॉर्टेंस मिलेगी. ठीक है, और मैंने इसका करवाया था इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. जितनी कंट्री में पावर शेयरिंग ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा लोग जो है वो पावर में आएंगे, तो सबको क्या मिलेगी? इक्वालिटी. आज अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इंडिया के हर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. सम एमपीज आर फ्रॉम पंजाब, सम आर फ्रॉम राजस्थान, सम आर फ्रॉम गुजरात. विमेन भी हैं, हर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो 543 मेंबर्स हैं वो इंडिया के किसी एक पार्ट से नहीं है, पूरी कंट्री को बिलोंग करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री के हर पार्ट से पावर शेयरिंग जो है वो दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में हो रही है. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. हाँ जी, अब इसके बाद आ जाइए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 6 फॉर्म्स हमने बेसिकली की थी. लॉन्ग क्वेश्चन, सपोज अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें हमने किया था 6 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लेकिन 1 मार्क एमसीक्यूज के लिए अब आपको इन पावर शेयरिंग की जो फॉर्म्स है उनको रिकॉग्नाइज करना है. इसके लिए नंबर 1 लाइंस के बेस के ऊपर आपने लर्न करना. हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग फॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. अकॉर्डिंग टू दिस पावर शेयरिंग पावर्स हैव बीन डिवाइडेड, ये तो हमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इनटू 3 पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. जब एक ही लाइन में पावर होती है तो इसका मतलब क्या है, सबकी पावर्स क्या है, सेम है. सेम होने के साथ कोई भी पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता. इस सिस्टम को एक और भी नेम दिया गया है, चेक एंड बैलेंस. इसका मतलब क्या है कि हर पार्ट जो है वो एक दूसरे पे चेक करता है. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है. हाउ? इन लेजिस्लेचर एमपीज आर देयर. ठीक है, एमपीज कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के है, राज्यसभा के हैं. एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्राइम मिनिस्टर. जुडिशरी में कौन है? जजेस. चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को चेक भी करते हैं और इनकी पावर्स को बैलेंस किया गया. आप ये सोचो कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी माइन्यूटली इनको पावर्स दी गई हैं. अब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी गलती करते हैं तो ऑपोजिशन, मतलब ये जो है 543 मेंबर्स, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर. और अगर प्राइम मिनिस्टर उनके क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाते हैं तो लोकसभा में क्या होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसके द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर को क्या किया गया है, कंट्रोल. प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर नहीं बन सकते. चेक, चेक का मतलब उनकी पावर्स में भी चेक है. ठीक है, नो डाउट हम कहते हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की प्रेजिडेंट से भी ज्यादा पॉपुलरिटी है. बच्चों को अपनी कंट्री के प्रेजिडेंट नहीं पता होंगे, प्राइम मिनिस्टर पता होंगे. इवन फॉरेन कंट्रीज में भी उनको मोदी का नाम ज्यादा पता होगा एज कम्पेयर टू मिस्टर रामनाथ कोविंद. रीजन क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड प्रेजिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर इनकी पावर्स को चेक कर सकती है. दूसरी तरफ जजेस, जजेस नो डाउट हम कहते हैं कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट वंस दे आर अपॉइंटेड दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक. क्या वो रियली इंडिपेंडेंट है? नहीं. अगर वो कुछ भी गलत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? इंपीचमेंट कहां पे होगा? कहां पे होगा? लोकसभा राज्यसभा में. इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? वोटिंग होगी, और क्योंकि वो तो खुद जज हैं, उनके अगेंस्ट कोई ट्रायल हो ही नहीं सकता, तो उनकी वोटिंग जो है वो लोकसभा में होगी, और 2/3 मेजोरिटी अगर इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट जो है वो पास कर देती है तो जजेस विल बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट. ठीक है, तो जजेस को भी चेक किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को भी चेक किया गया. अगर एमपी कुछ भी गलत करते हैं, सपोज कोई भी एमपी है स्कैम, अगर कुछ भी होता सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, और उनका ट्रायल कहां पे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में. इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेम लेवल, लेकिन उनकी पावर्स को क्या किया गया है? चेक का मतलब कंट्रोल किया गया है. और बैलेंस का मतलब क्या है कि इस तरह से सिस्टम को रखा गया है कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करता. इंटरफेयर का मतलब है प्राइम मिनिस्टर कभी भी जजमेंट, जजेस जो भी जजमेंट करते हैं दे आर फ्री. प्राइम मिनिस्टर जो जजमेंट लेते हैं, जजेस जो हैं, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं. तो प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन. दूसरी तरफ 543 जो है इनको भी प्रॉपर, हां जी बेटा, इनको भी प्रॉपर प्रोविजन दी गई है, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर. क्लियर? तो हर पर्सन जो है उसकी पावर्स दी गई हैं, लेकिन उनकी पावर्स को क्या किया गया है? कंट्रोल किया. पपेट हैं ये सारे, पपेट हैं इनकी, पपेट जो है इनके थ्रेड को प्रॉपरली कंट्रोल किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गलत होता है तो दे कैन बी रिमूव. दिस सिस्टम इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन फॉर्म कैसे आ सकती है? डेफिनेशन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस ऑन द, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल, प्लेस एट द सेम लेवल. आंसर इज वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, whether it is vertical, whether it is both A and B, or whether it is none. Horizontal. ऐसे याद रखो. ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो है दैट इज वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन जो है इस सिस्टम में क्या होता है, इस फॉर्म में भी पावर शेयर. अब आपने देखा कि एक लाइन में कितने लोग पावर शेयर कर रहे हैं, कोई एमपी है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई जज है, तो पावर्स को कितने हाथ में डिवाइड किया गया है. दूसरी तरफ है वर्टिकल. वर्टिकल में क्या होता है? सेंटर, स्टेट एंड लोकल. हमारी कंट्री की बात करें तो वर्टिकल, वर्टिकल जो फॉर्म है इस सिस्टम में क्या होता है, अब इस सिस्टम में क्या है, ऑल आर इक्वल. ठीक है, अगर हम बात करें ना कि एमपीज या प्राइम मिनिस्टर या जजेस सबकी पावर्स अलग अलग है सेपरेशन की ओर, लेकिन यहां पे क्या है, टॉप लेवल जो है वो ज्यादा क्या होता है, पावरफुल. स्टेट जो है दैट इज मिडल, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पंजाब सपोज. एंड लोअर बॉटम की बात करें, जलंधर डीसी. अब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है. अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, और यहां पे है डीसी. पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर मोर बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स. कई बार आपने सुना होगा लॉकडाउन में प्राइम मिनिस्टर ने सभी सीएम्स की मीटिंग ली. ठीक है, सेकेंड जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं पावर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. सेकेंड लेवल है मिडल, मिडल पे आते हैं चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर किनकी जो है वो मीटिंग्स दे सकते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल पंजाब. सपोज अगर ये पंजाब है तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 22. एक और डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, मलेरकोटला, तो कितने हो गए, 23. इसका मतलब है सीएम जो है वो डीसी की मीटिंग को लाएंगे, और इनकी पावर जो है वो सिर्फ स्टेट से रिलेटेड है, पंजाब स्टेट से रिलेटेड है. आगे
डीसी के पास पावर्स कम है, वो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर स्टेट, अपनी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी की पावर जो है वो सिर्फ जलंधर के लिए, ठीक है, और उनके अंडर भी आगे अलग अलग विलेजेस हैं, विलेजेस में पंच हैं, सरपंच हैं। इट मींस वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है, टॉप लेवल ज्यादा पावरफुल होता है और जैसे जैसे मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, पावर जो है आगे से आगे डिक्रीज हो जाती है। तो इस पावर शेयरिंग की रिलेटेड स्टेटमेंट नोट करो, पावर शेयरिंग, यस, स्टेटमेंट नोट करो। व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फेडरल सिस्टम। इसको फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, इसको वर्टिकल भी कहते हैं। आप सोचो, अगर फेडरल लिखा होगा तो वो भी ठीक होगा, वर्टिकल होगा तो वो भी ठीक होगा। ए और बी, ए में है फेडरल, बी में है वर्टिकल, सी में है हॉरिजॉन्टल, डी में नन, ठीक है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, इसको फेडरल भी कहते हैं और इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग। लेकिन ये चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इसमें। इसका मतलब चेक, इसका मतलब क्या है कि पीएम जो है वो सीएम को कंट्रोल करेंगे, सीएम पीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज नहीं है। ऐसे ही सीएम डीसी को कंट्रोल करेंगे, डीसी सीएम को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस नहीं है ये सिस्टम, ठीक है। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको आगे डिवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल डिवीजन, फेडरलिज्म। अब फेडरल जो वर्ड है ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जब करते हैं ना, उसमें फेडरलिज्म के अलग अलग आपको टाइप्स बताई हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो हम बाद में करेंगे। अब आगे आ जाइए, थर्ड पावर शेयरिंग। पहला है पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड फॉर्म है वर्टिकल। हाँ जी, वो आएंगे सीएम के साथ। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अगर सीएम है तो सीएम के साथ, सीएम की अपनी कैबिनेट होती है, अपनी होते हैं, साथ में एमएलए इधर है और इधर एमपी है, और यहाँ पे है डीसी, डीसी के साथ मेयर और काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर होते हैं, स्टेट के होते हैं एमएलए, और पूरी कंट्री के होते हैं एमपी। जलंधर की बात करें तो हमारे जलंधर के मेयर कौन है, मिस्टर जगदीश राजा, और अगर एमएलए की बात करें तो हमारे जलंधर से टोटल 4 एमएलए हैं जो चंडीगढ़ जाएंगे, और एमपी की बात करें तो हमारे जलंधर का सिर्फ कौन होगा, एक एमपी होंगे जो अल्टीमेटली दिल्ली जाते। तो इस तरह से पावर जो है, ये सारी पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का मतलब होता है अलग अलग लेवल पे पावर को शेयर किया गया, क्लियर। अब आ जाइए थर्ड, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। जैसे सपोज अगर आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अगर स्टेट के हैं तो वो रिलेटेड होंगे, स्टेट से होंगे। अगर ऑल इंडिया हैं तो उनकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर वो कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं। अगर पीसीएस क्लियर किया है तो पंजाब सिविल सर्विस है तो पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, आईएएस क्लियर किया है तो स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, अगर पीसीएस क्लियर किया है तो पंजाब में कहीं भी जा सकते हैं। एज ए हर स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। सपोज अगर आपका ऑप्शन है कि आपने पीपीएससी या पंजाब सिविल सर्विस क्लियर करना है, हाँ, एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें आपको एरिया जो है वो देंगे ना। सपोज अगर आपने पंजाब का लेना है तो पंजाब एरिया देंगे। अब जैसे डीसी हैं, डीसी शिफ्ट होते रहते हैं, पहले हमारे जलंधर के डीसी कौन थे मिस्टर, हाँ, वरिंदर शर्मा, अब वो कहाँ के हैं, लुधियाना के बना दिया उनको, लुधियाना के डीसी बना दिया। अब हमारे कौन से हैं, घनश्याम कोरी, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ के हैं, बेसिकली हैं राजस्थान के हैं लेकिन आए पंजाब पे, हैं राजस्थान के। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के एग्जाम जो है वो देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप पंजाब के हो तो आपको पंजाब का एरिया, अगर आप किसी और स्टेट का क्लियर करते हो तो वो भी दे सकते हैं। हमारे इंडिया में लैंग्वेज के रिलेटेड जो है इश्यूज को प्रॉपरली सॉल्व किया गया, 22 लैंग्वेजेस आर देयर, आप किसी भी लैंग्वेज क्लियर कर सकते हो, आपको लैंग्वेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पावर शेयरिंग। थर्ड पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज।
पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर शेयरिंग करती हैं? यस, हाउ? थर्ड इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां पे पावर शेयरिंग का जो मीनिंग है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर कैसे करती? सपोज गवर्नमेंट ने कोई भी नया लॉ बनाया, आपने रिसेंटली पिछले साल सारा फार्मर बिल को प्रॉपर जो है वो देखा कि फार्मर्स ने कैसे रिवोल्ट किया, ठीक है, बिल बन गया, बिल पास भी हो गया, एक्ट भी बन गया। लेकिन अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सपोज कोई भी पार्टी है जो अपोजिशन में है, अपोजिशन पार्टी भी पावर शेयरिंग कर सकती है बाय अपोजिंग एनी बिल। वो अपोज कैसे कर सकती है? लोकसभा के अंदर भी अपोज कर सकती है, बाहर भी कर सकती है, ठीक है। बाहर कैसे कर सकती है? सपोज उनके साथ कुछ ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना, स्ट्राइक्स, जैसे आज की बात करें तो आज भी फार्मर जो हैं, जो शुगर केन फार्मर्स हैं, उनका मेन इशू है कि वो शुगर केन के प्राइसेस से रिलेटेड पंजाब में उन्होंने जो है वो कॉल, कॉल का मतलब होता है कि बंद का जो है वो ऐलान किया था। आज 3 बजे मीटिंग भी होनी है उनकी सीएम के साथ, और देखो क्या डिसीजन होता है कि अगर उनका जो है वो डिसीजन नहीं माना गया तो वो कह रहे हैं कि हम पंजाब बंद का आगे ऐलान करेंगे, वट एवर जो भी उनकी पॉलिसीज है। तो दैट इज ऑल्सो पावर शेयरिंग। अब ये फार्मर्स लोकसभा में नहीं जा सकते, राज्यसभा में नहीं जा सकते, पंजाब में सेक्रेटरिएट में नहीं जा सकते, बट दे कैन अपोज द बिल्स, दे कैन अपोज द लॉज, दे कैन अपोज द रॉन्ग लॉज। तो गवर्नमेंट ने गलत अगर लॉ बनाया है उसको अपोज कर सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली ये क्या कर सकते हैं? दे आर पावर शेयर, मतलब वो भी पावर शेयर कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो चेयर पे नहीं बैठे हैं, वो अलग बाहर, बाहर भी, बाहर का मतलब क्या है कि रोड्स ब्लॉक कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो भी पावर शेयरिंग कर रहे हैं। और इनके, इनको सपोर्ट कौन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर सकती हैं, ऑपोजिशन भी सपोर्ट करती है। कई बार एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती तो बहुत सी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट? व्हेन इन इलेक्शंस नॉट अ सिंगल पार्टी, इफ नॉट अ सिंगल पार्टी विल गेट क्लियर कट मेजोरिटी, देन सो मेनी पार्टी ज्वाइन हैंड्स। क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती। सपोज अगर 543 सीट्स हैं, तो सपोज प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि 300 जो है वो एमपीज अगर सपोर्ट करते हैं तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन बीजेपी को मिले सिर्फ 250, सपोज 250, तो 50 कौन होंगे? तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? फिर बाकी पार्टीज के साथ नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि आप पार्लियामेंट में हमें वोटिंग कीजिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करो, सपोर्ट करो। और जब 300 मिलकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, और जो सपोर्टर हैं कहीं ना कहीं उनको भी चांस मिलेगा, उनके लोगों को भी कहीं ना कहीं मिनिस्टर बनाया जाएगा, तभी वो सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से हमारी कंट्री में कई बार कोलिजन का मतलब होता है मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार बनती है ताकि लोकसभा में मेजोरिटी जो है वो प्रूव की जाए। और जब लोकसभा में मेजोरिटी नहीं प्रूव होगी, सपोज किसी पार्टी को 150 सीट्स भी नहीं मिले, तो क्या होगा? फिर अलग अलग जितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं वो मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगी। जैसे मनमोहन सिंह कांग्रेस के टाइम पीरियड में, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के टाइम पीरियड में एक गवर्नमेंट बनी थी, मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको कहा जाता था कोलिजन गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, एक ऐसी भी गवर्नमेंट बनी जो 13 डेज के बाद क्या हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो कंट्री में फिर क्या हुआ, फिर से इलेक्शंस करवाए। दिल्ली में भी ऐसे हुआ, दिल्ली में भी क्या हुआ था, एक बार इलेक्शंस हुए लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट में मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाई, फिर से इलेक्शंस करवाए और फिर से सीएम कौन बने? अरविंद केजरीवाल। तो कई बार ऐसा होता है, पावर शेयरिंग का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको, उनके लॉज को अपोज करती है। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग बाय प्रेशर ग्रुप्स। पावर शेयरिंग बाय प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? यस, सपोज मैं एक वर्ड लिख रही हूं, अंबानीज, अडानीज, टाटाज, ठीक है, सपोज, हां जी, बिरलाज, ये सारे क्या हैं? अल्ट्रा रिच पीपल ऑफ आर कंट्री, वाडियाज,
दीज आर इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट. अब इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या करते हैं? उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं. इलेक्शंस में जीत जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको क्या करती हैं? सपोर्ट करती. सपोज अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके अकॉर्डिंग लॉज नहीं बनाती या इनकी इनकी फेवर में लॉज नहीं बनाते, तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? दे पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. प्रेशर का मतलब होता है गवर्नमेंट पे हमेशा दबाव डालते हैं कि वो पॉलिसीज जो है वो इनकी फेवर में बनाए, जो इंडस्ट्रियल एक्ट होते हैं जिससे कि इनको फायदा हो. ठीक है, तो ऐसे ही हमारी कंट्री में बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं. तो गवर्नमेंट बनाना, आप ये सोचो कि प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो, उनकी ड्यूटी जो है वो इजी नहीं है. उनको कंट्री में कितने लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता हो, पार्टी मेंबर्स को भी सेटिस्फाई करना है, लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, रिलीजियस कम्युनिटीज को भी सेटिस्फाई करना है, और साइड बाय साइड जो प्रेशर ग्रुप्स है उनको भी सेटिस्फाई करो. ताकि नहीं तो क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप ऐसा है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया बंद का ऐलान कर सकते हैं. और ये प्रेशर ग्रुप्स जो है वो पर्टिकुलर रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये कोई भी हो सकता है. जो यूनियंस होती है, यूनियंस अगर स्ट्राइक कर देती है तो क्या होता है? रशिया में आपने पढ़ा ही है, अगर यूनियन स्ट्राइक करती है तो लॉकआउट हो जाता है. लॉकआउट होगा तो वर्कर्स फार्मर्स जो है वो काम करने से बंद कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, लॉयर्स एसोसिएशन. ठीक है, बार एसोसिएशन. क्लियर? सो टाइम इज ओवर, रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो.